اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب اپنے ایمان کے ساتھ خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے چکن چلی وتھ پلین رائس ہم نے چکن لیا ہے 1 kg بریسٹ پیس لیے ہیں اور ان کو ایسے سٹرپس میں کاٹ لیا ہے سب کو سٹرپ میں کاٹ لیا ہے یا آپ آپشنل ہے سٹرپ میں کاٹ لیں یا کور پیس کاٹ لیں اور اس میں ہم ڈالیں گے 2 tablespoons کارن فلور میرینیشن کے لیے اور 1 tablespoon لہسن ادرک کا پیسٹ نمک 1 teaspoon تھوڑی سی کالی مرچ اور تھوڑی سی سفید اور ساتھ میں 2 tablespoons آئل ان سب کو ہم اچھی طرح میرینیٹ کر لیں گے ان پہ زیادہ تھک لیئر نہیں ہونی چاہیے بس نارمل سی دیکھیں ہونی چاہیے اور اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے جی اب ہم پتیلے میں ہم نے آئل لیا ہے 1 چمچ 1 کھانے کا چمچ اس کے ساتھ ہوتے تو بوائل رائس ہیں لیکن ہمارے گھر میں بوائل رائس پسند نہیں کیا جاتے تو اس لیے ہم تھوڑا سا لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کر تو بنا لیتے ہیں رائس एक चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें ज़ीरा लौंग 3-4 अदद 1 बड़ी इलायची 2 pinch के बराबर कलवंजी और ये दालचीनी है जायफल जावित्री बादियान के फूल और काली मिर्च इन सब को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ज़्यादा नहीं करेंगे कि कलर ना आ जाए इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और 1 किनोर क्यूब डालेंगे और 1 चम्मच जो है नमक का डालेंगे साथ में 3-4 अदद सब्ज मिर्च इनको थोड़ा सा भूनेंगे हमारे चावल 1 किलो हैं और हमारा जो ये ग्लास है ये मैरिन है ये 3 ग्लास बनते हैं उस हिसाब से हम 5 ग्लास पानी डालेंगे ये 5 ग्लास पानी हो गया और अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे जब तक पानी उबलने लगे जी हमारा पानी बॉयल हो गया है अब हम इसमें अपने चावल डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा देंगे जब तक ये दम के तैयार ना हो जाए जी ये अब हमारा दम वाले पॉइंट पे हमारे चावल आ गए हैं और देखिए इसमें जब हल्का हल्का पानी रह जाए तो आपने तवा रख कर और फिर दम लगा देना 15 से 20 मिनट के लिए अब हम 15 से 20 मिनट के लिए दम लगा देंगे और फिर 15 से 20 मिनट के बाद खोलेंगे इस साइड पे हमने ऑयल रखा हुआ है चिकन फ्राई करने के लिए जब ये तेज़ गर्म हो जाए तो फिर हम चिकन फ्राई करेंगे जी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और जो हमने अपना चिकन मैरिनेट किया है उसको हम डालेंगे हम ऐसे अपना सारा चिकन डाल के उसको फ्राई करेंगे
चिकन डालकर थोड़ा स्टे देंगे ताकि जो हमने ऊपर कोटिंग की है वो स्लिप ना हो। जी ये देखें, हमने इतने फ्राई करने हैं कि थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए। ये तकरीबन हाफ डन होते हैं, फुली कुक नहीं होते। हम फुली कुक करेंगे तो ये सख्त हो जाएंगे, हाफ डन में ये जूसी रहेंगे। इसके बाद हम ऑयल कम करेंगे और अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स करेंगे। जब हमने तेल निकाल लिया है और थोड़ा सा ऑयल हमने बीच में रखा है 2-3 टेबलस्पून के बराबर, और इसमें अब हम ये अदरक और लहसुन जो है इसको फ्राई करेंगे। इसको भी हमने फुली कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा करना है ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो बरकरार रहे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये 4 से 5 अदद सब्ज मिर्चें हैं ये हमने बीज के साथ डाल देनी है, क्योंकि चिकन विद चिली है तो फिर थोड़ा सा स्पाइसी होगा। ये बस कलर चेंज नहीं होने देना मिर्चों का, थोड़ी सी बस फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाए तो 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच लेमन जूस, 1 घूंट पानी। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि चिकन में भी नमक है, सोया सॉस में भी नमक है, और सोया सॉस जो है हमने लाइट वर्जन डाला है। साथ इसके हम ये चिकन मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे इन चीज़ों के साथ और फिर हम इसमें ये प्याज डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे और इन सबको मिक्स करेंगे। जी ये देखें, शिमला मिर्च और प्याज डालकर इसको मिक्स करें, इसका कलर चेंज नहीं होने देना। शिमला मिर्च और जो प्याज है इनका क्रंच भी बरकरार रहे। 2 घूंट पानी डालेंगे और इसको तेज आंच पे कुक करेंगे। आप चेक कर सकते हैं चिली कितनी है, कम किसी को चाहिए या ज़्यादा चाहिए वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा नमक कम लगा और थोड़ी ब्लैक चिली। इन सबको हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेकर इसको मिक्स किया है, वो भी हम ऐड करेंगे और थोड़ा थिक होने तक हम इसको पकाएंगे। जी ये हमारी रेडी हो चुकी है चिकन चिली। इसमें आप केचप भी डाल सकते हैं और चिली सॉस भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी अब हमारा दम कंप्लीट हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें हमारे चावल बन गए हैं, हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी देखें हमारा चिली चिकन विद राइस बन के तैयार हो चुका है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप भी ट्राई करिएगा इसको, चिकन चिली विद प्लेन राइस। तो फिर हमें बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी कमेंट बॉक्स में। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।